हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे, और अगर आप लोग अच्छे हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। एंड वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को अभी से लाइक इनटू 100 कर देना और इंस्टाग्राम पे ज़रूर से फॉलो कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक्स दे रखी हैं, तो इंगेजमेंट बढ़ा देना, इंगेजमेंट इनटू 100 कर देना, ठीक है। ये कोई लॉजिक नहीं है, बट यू नो क्या आजकल ट्रेंड में चल रहा है, तो मैं उसी लैंग्वेज में आपसे बात कर रहा हूँ। फिलहाल अगर हम बात करें तो आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे आज हम टेस्ट करने वाले हैं रियलमी 3 प्रो में 3.05 अपडेट के बाद 0 to 100% अगर हम चार्ज करते हैं फ़ोन को तो हमें कितना टाइम लगेगा। असल में ये मैंने जो टेस्ट है वो पहले नहीं किया था, जब मैंने इसका फुल रिव्यू दिया था 3.05 का, उसमें मैंने ड्रेनिंग टेस्ट तो किया था लेकिन जो चार्जिंग टेस्ट है वो नहीं किया था। तो आज मैं यहाँ 3 प्रो में 0 to 100% चार्ज करूँगा एंड देखते हैं कि कितने टाइम में हो जाता है। और ये टेस्ट मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि एक बंदे हैं राजीव यादव, इन्होंने कमेंट किया था उसी वीडियो के नीचे जिसमें बोला था कि चार्जिंग टाइम भी 1 hour 40 minutes लगता है, विश्वास ना हो तो चेक करना 0 to 100। तो इसीलिए मैं ये टेस्ट कर रहा हूँ, देखते हैं कि आखिर कितना समय लगता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं फ़ोन पे कि यहाँ पे अभी मेरे पास 2% बैटरी है फ़ोन में, एंड मैं इस टाइम इसलिए चार्जिंग पे लगा रहा हूँ क्योंकि ज़ीरो पे नहीं लगा सकता। अगर ज़ीरो पे लगाऊंगा तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर नहीं सकता, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 2% पे बैटरी चार्ज पे लगा रहा हूँ एंड टाइम आप देख रहे हैं कि 1:26 हो रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आखिर ये जो फ़ोन है वो कितने टाइम में चार्ज हो पाता है। स्टार्ट करते हैं चार्जिंग को। तो स्टार्ट कर दिया मैंने दोस्तों, चार्जिंग पे लगा दिया है फ़ोन एंड आप देख सकते हैं कि फ़ोन जो है चार्जिंग पे लग गया है और 1:27 हो रहा है। और देखते हैं कि ये कितने घंटे में ये फ़ोन जो है वो चार्ज होता है। एंड ये रियलमी 3 प्रो है क्योंकि 3.05 के अपडेट के बाद इतना हीट कर रहा है और इतना धीरे चार्ज हो रहा है, और ये 20 वॉट का फास्ट चार्जर है। जब ये कलर ओएस 6 पे था और जब रियलमी UI की 3.01 अपडेट आया था, इस तरीके के जो स्टार्टिंग के अपडेट थे उसमें काफ़ी अच्छे से फटाफट से चार्ज हो रहा था। और अब देखते हैं कि ये कितने देर में चार्ज हो पाता है। और यहाँ पे चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसे आप देख रहे हैं कि 3% बैटरी हो चुकी है एंड देखते हैं कि आखिर 100% कितनी देर में हो जाती है। तो जैसा कि आप दोस्तों देख रहे होंगे कि लगभग 1 घंटे हो रहा है, 1 घंटे 4 मिनट 5 मिनट के आसपास हो रहा है। एंड यहाँ पर जो बैटरी अभी चार्ज हुई है वो 67% पे आई है, मतलब 2% से लेकर के 67% तक आने में अभी इसको 1 घंटे 5 मिनट लग गया है। एंड आई डोंट नो 3.05 अपडेट के बाद कैसा ये घटिया परफॉर्म कर रहा है। तो वो आपके सामने आप देख सकते हैं। एंड बीच में मैंने एक गेम खेला है एंड बस ये पता लोक जो लगी है वो डाउनलोडिंग पे लगी है एंड और कुछ भी नहीं। स्क्रीन पूरी तरीके से बंद थी, बस एक बार मैंने TDM खेला 6-7 मिनट के लिए बस, उसके बाद ये मतलब एंड ऐसा परफॉर्म देखने को मिल रहा है। मिलते हैं 100% के बाद। अब यहाँ पे देखते हैं कि 100% कितनी देर में ये पूरी हो पाती है। तो दोस्तों फाइनली 3:17 पे जाकर के इसकी फुल चार्जिंग हो पाई है, 100% ये पूरा चार्ज हो पाया है। एंड आप देख सकते हैं कि लगभग से 1 घंटे 50 मिनट के आसपास इसको लग गया फुल चार्ज होने में। अब काफ़ी ज़्यादा लग गया, और मैंने 2% से स्टार्ट किया था, 0% से स्टार्ट भी नहीं किया था। सो ऑलमोस्ट 1 hour 50 minutes लग गया इसको चार्ज करने में, पूरा चार्ज करने में, फुल चार्ज करने में। एंड आई डोंट नो ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब 3.05 का जो अपडेट था उसके बाद ये हो रहा है। इसके पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया एंड 3.04 जो अपडेट था उसमें भी हीटिंग थी बट इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी 0.5 के बाद है। सो 0.6 का मैं काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि मतलब कितना ज़्यादा ये टाइम ले रहा है। जो फ़ोन पहले स्टार्टिंग में, मतलब ये 20 वोट का चार्जर के साथ आता है फ़ोन, एंड जो फ़ोन 1 hour 10 minutes 1 hour 5 minutes के आसपास फ़ोन लेता था 0 to 100 चार्ज होने में, आज वही फ़ोन 1 hour 45 minutes 1 hour 50 minutes के आसपास ले रहा है। एंड बीच में मैंने एक गेम और खेला था, मैं पहले आपको बता दूं। तो यहाँ पे मैंने 2 बार गेम खेला जो कि 6-7 मिनट के थे, दोनों ही गेम पबजी का TDM था, तो वो मैंने खेला एंड उसमें इतना मतलब कितना ही बैटरी कंज्यूम किया होगा। अगर हमने 10-15 मिनट गेम खेला तो मान लेते हैं कि बैटरी जो ड्रॉप हुई होगी वो 5 मिनट के आसपास हुई होगी। सो अगर मान लेते हैं कि अगर इसको 1 hour 40 minutes भी लग रहा है तो भी 30 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, जो कि पहले हमें 1 hour 10 minutes में ये फ़ोन फुल चार्ज होता हुआ देखने को मिल जाता था। सो ऐसा कुछ सिचुएशन चल रही है रियलमी 3 प्रो के साथ एंड ये बहुत ही घटिया अपडेट था 3.05। इसके बाद का जो अपडेट है उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, काफ़ी ज़्यादा वेट कर रहा हूँ एंड होप करते हैं कि इस बार बैटरी से रिलेटेड कोई ये अपडेट दे दे, अदरवाइज़ ये फ़ोन काफ़ी ज़्यादा अब अपडेट के साथ बेकार करते जा रहे हैं। फ़ोन की परफॉर्मेंस नहीं गिर रही है लेकिन यहाँ पर जो बैटरी ड्रेनिंग का इशू है, जो बैटरी चार्जिंग का इशू है,
वो गिरता चला जा रहा है। आप सोच लीजिए कि 20 वॉट का यहाँ पे चार्जर रखा हुआ, उसके बाद ये हाल है फोन का। वैसे दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका भी इतना ही टाइम ले रहा है, आपने टेस्ट किया या नहीं किया। थैंक्स बोलना चाहूंगा, मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 3.06 अपडेट के बारे में बात किया था, तो वहां पे एक बंदे ने बात किया था, कहा था कि चार्जिंग टाइम भी 1 आवर 40 मिनट के आसपास लगता है। विश्वास ना हो तो चेक करना 0 to 100। सो आप ये कमेंट देख सकते हैं, एंड सीरियसली मैंने इस पे ध्यान दिया और एग्जैक्टली सही बोला था भाई ने कि इस 1 आवर 40 मिनट के आसपास टाइम लग रहा है, एंड थैंक्स टू हिम कि असलियत पता चल रही है। और जाकर के आप ट्विटर पे टैग करिए रियलमी को, बोलिए कि जो नेक्स्ट अपडेट रियलमी 3 प्रो में आने वाला है 3.06, उसमें बैटरी ड्रेनिंग से रिलेटेड जो भी इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करें, एंड ये जो चार्जिंग टाइम है इसको भी कम करें, क्योंकि यहाँ पे 20 वॉट का चार्जर फिर इसका लेने का मतलब क्या है, फास्ट चार्जर और फिर स्लो चार्जर में कोई फ़र्क क्या रह जाएगा। बट यहाँ पे ये हाल आपको देखने को मिल रहा है इस फ़ोन के साथ। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना था, एंड होप करते कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ अच्छा जानने को मिला होगा। और अगर आपको टिप्स और ट्रिक्स जानने हैं कि हम बैटरी थोड़ा सा कैसे सेव कर सकते हैं, तो वो मैं आप कहिए तो मैं बना दूंगा। पिछले वाले रोम पे कैसे जाना है, मतलब 3.04 या 3.03 इस तरीके के रोम पे आपको वापस कैसे जाना है, अगर आप इस पे वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पे वीडियो आपके लिए बना दूंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, होप करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद है। ये पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इसमें लाइक इनटू 100 हो जाना चाहिए, तो कर दो लाइक फटाफट से, लाइक इनटू 100 और एंगेजमेंट इनटू 100 कर देना इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे भी, सब जाकर के फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।